अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-2024। Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O Level. So, hurry up. यूपी के सीतापुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में एक बार फिर उपलब्धि हासिल की है। इस वित्तीय वर्ष में 33,000 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 11,000 नए आवास बनाए जा चुके हैं। इन सभी लाभार्थियों को शुक्रवार को आवासों की चाबी सौंपी जाएगी, जिसके लिए बृहद स्तर पर भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने से लेकर अब तक के उपलब्धि पर नजर डालें, तो जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई अस्थायी पात्रता सूची में 1,61,920 लाभार्थियों को नामित किया गया था, जिनमें से अपात्रों की छटनी कर 1,13,369 पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए। फिर भी तमाम पात्र आवास योजना का लाभ पाने के से वंचित रह गए। इसके लिए वर्ष 2020-21 में आवास प्लस योजना के तहत 1,31,777 पद लाभार्थियों में से अब तक 1,21,842 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका है। जो 9,935 लाभार्थी रह गए हैं, उन्हें भी आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है। इस तरह जिले में अब तक 2,35,211 लाभार्थी योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2018-19 से अब तक 1,184 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त किया जा चुका है। आवास आवंटन में सीतापुर सूबे में तीसरे स्थान पर है, जबकि आजमगढ़ पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। शुक्रवार को जनपद के लाभार्थियों को एक साथ आवासों की चाबी सौंपी जाएगी, जिसके लिए शहर में सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज सीतापुर निकट सिंचाई भवन कार्यालय में अपराह्न 3 बजे से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी सुनाया गया जाएगा। प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि और डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जनपद मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 1,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी प्रदान की जाएगी। सीतापुर परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गजेंद्र प्रताप सिंह ने आई इंडिया को जानकारी देते हुए बताया, ये इस वित्त वर्ष में 33,000 आवास का लक्ष्य है, जिसमें से जो है हमारे लगभग 11,000 आवास बनाए जा चुके हैं। तो कल जो है समस्त विकास खंडों में 100-100 लाभार्थी एवं जनपद स्तर पर 1,000 लाभार्थियों को चाबी वितरण और माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन से उनको रूबरू कराया जाएगा। और यहाँ जो है जो व्यवस्था की गई है जनपद स्तर पर, वो सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज निरीक्षण भवन सिंचाई विभाग के सामने व्यवस्था की गई है। 1,000 लाभार्थी आएंगे, जिन्हें सांकेतिक रूप से जो है चाबी मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास की पंचायत के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी से लगभग बात हो गई है और समय मिलेगा तो आएंगे जरूर। मेरा प्रयास रहेगा सभी जनप्रतिनिधि विकासखंड स्तर पर और जनपद स्तर पर उपस्थित हों, मेरी वार्ता सभी से हुई है। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ब्लेस्ड बाय हॉनरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स,
स्कूल सिनेमा, अल्ट्रा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट, डिजिटल क्लासरूम्स, स्टडीवेल ग्रुप प्रेजेंट्स, आईटीआई एंड फार्मेसी कॉलेज। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।